तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना वापस यहाँ मत आना, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने खुद ही यहाँ पहले पुलिस बुला ली है। इंस्पेक्टर सर, सर मुझे एक बच्ची का फोन आया था। इस वार्डन ने इस बच्ची को अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ है। ये ऑर्फनेज की आड़ में जरूर कोई बिजनेस चला रही है। लोगों से पैसे लेके उन्हें बच्चे गोद देती है और गैर कानूनी काम करती है। आप इसे पूछिए बच्ची का है। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रही है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है और मैं बोला सिमरन को क्यों बंद करूंगी? मैंने तो बच्ची का नाम भी नहीं लिया, तो तुम्हें कैसे पता मैं सिमरन की बात कर रही हूँ? बोल, बच्ची कितने है? कौन कौन बच्ची? ड्रामा नहीं, चपेट खाने से पहले बता दे बच्ची कितने है। बता रही हूँ वो पकड़ो पकड़ो इसको। साहिबा दीदी प्लीज मुझे बचाने आ जाओ प्लीज। आज तो मम्मा वाली ट्रिक पे काम नहीं आ रही, लगता है साहिबा दीदी आ गई। बड़ा चंड समझती है ना तू खुद को? आज तेरे कारण वो लड़की, वो साहिबा यहाँ पुलिस लेके चली आई। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। सुनो, तुम उधर जाके देखो, और तुम उधर। ये वार्डन कहाँ चली गई? सिमरन, चाट पापड़ी, चल, चल, चाट पापड़ी, चाट पापड़ी। हमारा पासवर्ड है चाट पापड़ी। जब तक आप ये पासवर्ड ना सुनो ना, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, ठीक है? साहिबा दीदी, साहिबा दीदी। सिमरन, सिमरन, चल, साहिबा दीदी, चल, 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 रुक, तेरी तुमने? पकड़ो इसको। पीटर, बाकी साहिबा दीदी आ गई है ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस अंकल भी है, आंटी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। पीटर, वो गंदे अंकल आंटी कहाँ है? जॉब को लेने आए थे। इनके ऑफिस में, यही है वो गंदे अंकल आंटी जो सिमरन को ले जाना चाहते थे। नहीं नहीं जनाब, हम तो बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आए थे। हाँ, हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है सर, हमने तो बड़ी मुश्किल से अपने पति को मनाया है अडॉप्शन के लिए। ये सब क्या हो रहा है सर, हमें कुछ भी नहीं पता। सर, जरूर ये वार्डन ने कुछ गलत किया होगा, हमें तो यहाँ बेवजह ही फंसाया जा रहा है सर। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने वार्डन मैम को बहुत सारे पैसे दिए हैं मुझे ले जाने के लिए, मैंने खुद दे